हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ वंदना और आइए आज हम ये कुछ वेस्ट बॉटल्स को पेंट करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, मैं तीन बॉटल्स ले रही हूँ अभी और इनको, ये तीनों वेस्ट बॉटल्स हैं, सॉस की बॉटल्स हैं जो सॉसेस होती हैं, या कोई भी वेस्ट ग्लास बॉटल ले सकते हैं आप। मैंने सबसे पहले एक्रेलिक वाइट कलर तीनों बॉटल्स पर करके इनको सुखा लिया है। इससे इन बॉटल्स को एक बेस मिल जाएगा थोड़ा सा। और बॉटल्स हमारे यहाँ ईजिली मिल जाती हैं, बहुत सारी चीज़ें आती हैं जो ग्लास बॉटल्स में होती हैं। बॉटल्स बहुत अच्छी लगती हैं लेकिन इनको फेंकने का मन भी नहीं करता और यूज़ भी कुछ नहीं होता। तो देखिए, इस तरह से आप इनको यूज़ कर सकते हैं। मैंने इन तीनों को पेंट कर लिया है और ले लिया है थोड़ी सी वॉल पुट्टी। इसको थोड़ा थोड़ा पानी मिक्स करके ना एक डो जैसा बना लेंगे, जैसे आटा गूंथते हैं ना उस तरह का। पहले मैंने ऐसे ही स्पून से करी, उसके बाद मैंने इसको हाथ से अच्छा सा डो बना लूँगी और इसके लम्ब्स सारे हम ख़त्म कर देंगे और इससे हम डिज़ाइन बनाएंगे। तो वो फादर्स डे आ रहा है ना, तो मैंने सोचा कुछ उस लुक की हम बॉटल्स भी बनाते हैं। अगर आप चाहें तो इन बॉटल्स को बना के अपने फादर को गिफ्ट कर सकते हैं, अपने बच्चों के साथ बनवाइए और बहुत मज़ा आएगा ये सब करने में। देखिए, इस तरह से ये डो बिल्कुल रेडी हो गया है और मैं छोटा सा एक बॉल ले रही हूँ और इसको हाथ से ही बहुत पतला 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 कर लूँगी इसको। और बॉटल्स हमारी रेडी हैं, उन पे मैंने वाइट पेंट कर ही चुकी हूँ। बस अब क्या करेंगे, जो मैंने पुट्टी से पतला पतला इसको बेल लिया है, पतला पतला इसको हाथों से कर लिया है, उसको फेविकॉल से बॉटल के ऊपर चिपका लेंगे। तो कैसा भी डिज़ाइन आप बना सकते हैं, जैसा चाहें। मैं इसको ब्लैक एंड वाइट और गोल्डन कलर देना चाह रही हूँ और ये बीच में थोड़ा सा टूट रहा था तो मैंने इसमें पानी लगा के इसको जोड़ दिया है। तो इस तरह से ये आपका 3D लुक थोड़ा सा देगा इसको और ये बहुत ही अच्छी लगेंगी। आप चाहें तो इनको ऐसे ही घर में कहीं डेकोरेट कर सकते हैं, या फिर जैसा मैंने पहले ही कहा कि फादर्स डे आ रहा है, तो आप अगर बच्चे हैं तो अपने फादर को ये बना के गिफ्ट कर सकते हैं, जिसे वो अपने ऑफिस टेबल पे भी रख सकते हैं। और वैसे आप इसको घर में भी सजा सकते हैं, इसमें आप मनी प्लांट लगा सकते हैं, इसमें आप आर्टिफिशियल फ्लावर्स लगा सकते हैं। इसी तरह देखिए, एक और मैंने बना लिया है और उसको भी मैं इसके ऊपर इस तरह से लगा रही हूँ, सेट कर दिया है मैंने। और फेविकॉल लगाते जाइए, इस तरह से चिपकाते जाइए, बहुत ईजी है। थोड़ी देर के लिए उसको सूखने के लिए छोड़ दीजिए, गर्मी है तो बहुत जल्दी ये सूख जाता है। और दूसरी बॉटल को भी मैं इसी तरह से पुट्टी को पतला पतला करके डिज़ाइन बना लूँगी। देखिए, ये क्योंकि थोड़ा सूखने लग गया था तो टूट रहा था, लेकिन ये देखिए बहुत अच्छा लग रहा है। ये कितना अभी से बहुत सुंदर लुक दे रहा है और 3D लुक में बहुत प्यारा लग रहा था ये। तो बस इस जैसे मैंने पहले वाली बॉटल पे किया, वैसे इस बॉटल पे भी इसको मैंने कर दिया है अप्लाई। और अब हम इसको सूखने के लिए छोड़ देंगे कुछ टाइम के लिए, फिर हम इस पर कलर करेंगे। तीसरी बॉटल पे मैंने कुछ भी नहीं किया, तीसरी बॉटल में वैसे ही पेंट करना चाह रही थी। और मैंने बहुत सारी और भी बॉटल्स पेंट की थी, उनकी भी फोटोज़ मैं आपके साथ शेयर करूँगी। देखिए, गोल्डन कलर ले लिया है मैंने। कलर्स आप अपनी चॉइस के ले सकते हैं, जैसा मैंने पहले भी बोला कि आप जो हैं अगर फादर्स डे थीम के लिए बना रहे हैं तो ये कलर बहुत अच्छे लगेंगे, अदरवाइज़ आप कोई भी ब्राइट कलर यूज़ कर सकते हैं इसमें। और देखिए, इस तरह से मैंने गोल्डन कलर कर दिया और इसके बीच में मैं ब्लैक पेंट कर रही हूँ। और वाइट हम कर ही चुके हैं तो बहुत इजी है, बहुत अच्छी बन जाती हैं और बहुत सुंदर लगते हैं इस तरह की बॉटल्स पेंट करके। और ग्लास बॉटल्स वैसे ही बहुत अच्छी लगती हैं, इनमें आप मनी प्लांट लगाइए, कुछ भी लगाइए, सब अच्छा ही लगता है। तो इस तरह से डिज़ाइन आप कहीं से भी चूज़ कर सकते हैं, कहीं से भी देख सकते हैं, या फिर आप अपनी क्रिएटिविटी दिखा सकते हैं। देखिए, इस तरह से मैंने इसको कलर कर लिया और एक साइड में सोच रही हूँ, जो मैंने पीछे लाइन इसमें बनाई थी ना ब्लैक कलर की, तो मुझे लगा कि आधा इसको ब्लैक पेंट कर देना चाहिए तो ये ज़्यादा अच्छा लगेगा, इसलिए मैं इसको ब्लैक कर रही हूँ। और नीचे की लाइंस भी बहुत अच्छी लग रही हैं। बस ये ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गई है हमारी बॉटल और अभी दो बॉटल्स और बाकी हैं, तो चलिए उनको स्टार्ट करते हैं। इसको भी मैंने गोल्डन पेंट कर लिया है और इस बॉटल के भी बीच में यहाँ पे मैं थोड़ा सा ब्लैक कलर कर रही हूँ, जिससे ये जो है थोड़ा सा एनहेंस होगा, जो इसका 3D लुक है ना वो और अच्छा खिल के आएगा और बहुत ही प्यारा लगेगा। देखिए, इस तरह से मैंने इसको बीच में तो ब्लैक पेंट कर ही दिया है और साथ में ही जैसे उस वाली बॉटल में बनाई थी ना, वैसे इसमें भी मैं ऐसे लाइंस बना रही हूँ और थोड़ा सा इसको अलग लुक देंगे उससे। फिलहाल तो ये कलर ब्लैक एंड वाइट एरा की याद दिला रहे हैं, लेकिन सच में ये कलर भी बहुत प्यारे लगते हैं। सिर्फ ब्लैक एंड वाइट भी बहुत अच्छा लगता है, बहुत क्लासी लगता है। और ऊपर की तरफ भी मैं इसमें ब्लैक कर रही हूँ, थोड़ा सा एलिगेंट भी लगेगा ये और
एक मैनली लुक भी दे रहा है ये इस बॉटल को, तो बहुत अच्छा लग रहा है। अगर आपको पसंद आ रहा है तो आप इसी तरह से इसको पेंट कर सकते हैं, या फिर कोई और अगर आपको डिज़ाइन समझ में आता है तो आप वैसा पेंट कर सकते हैं। कि ये बॉटल भी हो गई कंप्लीट, लेकिन अब शुरू करेंगे हम तीसरी बॉटल। ये देखिए, पहली और दूसरी दोनों मैंने कंप्लीट करी है ब्लैक एंड वाइट थीम से, और तीसरी मैंने ये कलर कर लिया है ग्रीन। इसके ऊपर मैं रेड कलर से फ्लावर्स बनाने लगी हूँ, और बहुत इजी फ्लावर बनाएंगे, कुछ भी नहीं करना है। देखिए, इस तरह से मैंने सिर्फ और सिर्फ डिज़ाइन बना के बीच में भी रेड कलर पूरा फिल कर दिया है। और देखिए, एक और बना के दिखाती हूँ आपको। इसी तरह से मैंने पूरी बॉटल पे बना लिए हैं, और साथ में अप्लाई कर दिया है थोड़ा सा ब्लैक कलर इसको कंप्लीट करने के लिए, थोड़ा सा अच्छा रिच लुक देने के लिए। और जैसे मैं हमेशा कहती हूँ कि आपको जो अच्छा लगता हो, जो आपके दिल को भाता हो, जो आपकी आँखों को सुकून देता हो, वैसे कलर्स यूज़ कीजिए। वो डिज़ाइन बनाइए जो आपकी आँखों में चमक लाते हों, खुशी देते हों। और इस तरह से ये सारे मैंने कंप्लीट कर लिए हैं, और इन सबको अच्छे से सुखा लिया है बॉटल्स को। जब ये बॉटल्स सूख जाएंगी तो इसके ऊपर एक कोट वार्निश ज़रूर अप्लाई कीजिएगा। वार्निश इन बॉटल्स को थोड़ी सी शाइन देगी और इनके कलर्स को पक्का करेगी, और बहुत अच्छी लगेंगी ये बॉटल्स। तो बनाइए, गिफ्ट कीजिए, या फिर अपने घर को सजाइए। और कैसा लगा आज का ये वीडियो मुझे कॉमेंट करके ज़रूर बताइएगा, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। थैंक यू।